गौरचंद्राय पीछे खड़े राधिकाय बोलेंगे प्रभु जी कुछ बोलो जो सही है ना यहाँ पर जब गोबक से हरने किया प्रभु जी बोले बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम और एक बार जोर करके बोलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग आवाज पीछे तक आ रही है हम लोग जितने कथा सुनते हो ना सब एक एक कापी और एक पेन लेकर साथ में आए हो और सारे कथा को नोट करना कितने पैसा खर्चा करके आए हो और रात को नींद भी नहीं आती होगी और कैसे कैसे रास्ता में यहाँ से तो कुछ खाली झोली से नहीं जानी चाहिए यहाँ से जब जाओ ना झोली भर करके जाओ ठीक है ना भर कर क्या जाओगे जिसको जो थोड़ी लिखे बड़े हैं कापी और एक एक पेन लेकर के आए हो और जो जो स्थान में जा रहे हो क्या करना उस स्थान का नाम को लिखना और उसकी महिमा लिखना ठीक है और जब घर में जाओगे फिर क्या उनको भी यही कथा सुनाया करना हम वहाँ जाते अगर पूछेंगे घर वाले कहाँ गए थे क्या करके आए हो फिर क्या बोलोगे बताओ तुझे पता होगा तभी तो बताओगे पता नहीं होगा तो फिर क्या बताओगे इसलिए एक काफी और एक पेन साथ में लाई हो ठीक है कौन कौन लाएगा ठीक है हरे कृष्ण हाँ देखो अभी हम जहाँ पर आए हैं ये स्थान का नाम है राम घाट क्या नाम है राम घाट हम लोग एक भजन को रोज रोज सवेरे सवेरे एक भजन को गाते हैं वो भजन है कहते जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन हरि गोविंद गोपीनाथ ये भजन को हम सवेरे गाते हैं आप लोग है ना जब घर में वापस जाओगे जरूर ये भजन को गाया करो हमारे रूप गोस्वामी कहते हैं भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए बोले तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगाना भक्ति ऐसे करनी चाहिए बोले वृंदावन में रह करके भक्ति करनी चाहिए बोले अगर सब वृंदावन में आ जाएंगे हमारे काम धंधा कैसे चलेगा अपना घर गृहस्थी है घर गृहस्थी है फिर वृंदावन कहते कहीं से फिर रहे बोले वृंदावन धाम में दो तरह से रह सकते हो एक शरीर से और एक मन से लेकिन जो मन से जो रहना वो सही रहना है भले ही हम वृंदावन में रह रहे हो लेकिन अगर तुम्हारी मन इधर उधर भटक रहे वो थोड़ी वृंदावन वास हुआ अगर आप घर में रह रहे हो लेकिन भगवान की भजन भक्ति पूजा करते हो ना हमारी भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं यदि न गृह भजन देखी गृह ते गोलोक भाई जिस घर में सबके सब पति पत्नी बच्चे परिवार भगवान की भजन करते वही घर ही असली वृंदावन है इसलिए ये एक जो भजन है ये भजन में हमारे नरोत्तम दास ठाकुर जी एक भजन में संपूर्ण ब्रज मंडल में जितने भगवान की लीला स्थली है सारे लीला स्थलियों को उन्हें स्मरण किया अब जरूर घर में जाकर कि ये भजन को रोज गाया करो जैसे ठाकुर का मंदिर हो तुलसी हो उसको रोज परिक्रमा करो मंदिर को और ये भजन को गाओ ये एक भजन में पूरा वृंदावन हम जहाँ जहाँ दर्शन करने के लिए गए ना ये भजन में सारे स्थान का नाम है उसमें है जय राम घाट जय रोहिणी जय जय वृंदावन पार्टी इसमें राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज सबका नाम है एक भजन में ठीक है ना क्या करोगे ये भजन को रोज रोज घर में जरूर गाया करो अगर घर में ये भजन गाओगे ना तुम्हारी घर ही वृंदावन धाम बन जाएगा ए बात मत कर इसलिए तुम्हारी घर ही ये वृंदावन धाम बन जाएगा अगर इतना अगर लेकर यहाँ से गए तो तभी तो इतना पैसा खर्चा करना पूरा सार्थकता होगी ठीक है इसलिए ये स्थान का नाम राम घाट पड़ा बोले क्यों राम घाट पड़ा इसका क्या रहस्य है हम इतना कष्ट करके देखो चारों तरफ में खेती खेती वहां पर पेड़ पौधा कितना कष्ट करके आप लोग आए हो ये स्थान का नाम राम घाट क्यों पड़ा कारण है बोले ये भगवान श्री बलदेव प्रभु का नाम पर ही यह राम घाट पड़ा यहीं पर श्री बलदेव प्रभु ने यहीं पर उन्होंने रास किया था बोले यहाँ पर उन्होंने क्यों रास की इसका कारण क्या परमेश्वर प्रभु थोड़े बोलेंगे हरिकथा आगे जाकर बोलना ठीक है इसलिए कहते राम घाट क्यों नाम पड़ा बोले कारण है जब कृष्ण उन्होंने ब्रज छोड़
ब्रज को छोड़ करके कृष्ण जब मथुरा में आ गए, मथुरा में आए तो कृष्ण क्या बोल करके आए थे, बोले मैं जा रहा हूँ आज, कल कंस को मारूंगा और परसों मैं वापस आ जाऊंगा। इसलिए ब्रज में एक गांव का नाम है श्री परसु। अब जहां जहां ब्रज में जाओगे, जो जो काम का नाम सुनोगे ना, ऐसे नहीं, कृष्ण ने जहां जहां पर उन्होंने जैसे जैसे लीला की, वो लीला के अनुरूप सारे गांव का नाम पड़ा हुआ है। ऐसे कोई भी बिना कारण से कोई गांव आपको सुनने को नहीं मिलेगा। लीला के अनुरूप सांडिल्य ऋषि ने, उन्होंने बज्रनाभ लेकर के सारे गांव का सब ऐसे ऐसे नाम दिया है, हैं? इसलिए एक गांव का नाम सी परसु, मतलब मैं परसु आ जाऊंगा, कृष्ण बोल करे। लेकिन परसु आकर के बरसु बीत गया, लेकिन कृष्ण अभी ब्रज में वापस नहीं आए, हैं? जब वापस नहीं आए, इतने में बलदेव प्रभु कृष्ण को समझाया करते, बोल देख कान्हा, तेरे को पता है ये ब्रजवासी तेरे को कितने प्रेम करते हैं। जब से तू ब्रज छोड़ करके आया ना, तब से सारे ब्रजवासी कोई भोजन नहीं करते हैं, कोयल कुहूकती नहीं, और जो मयूर के का नहीं करते हैं, उनके घर में रोसे ही नहीं बनाते, घर में मकोड़े सबके सब घर बना लिया वहां पर, और मैया जसोदा तो बेहोश होकर पड़ी हुई, वो आंख नहीं खोल रही है। बोले तभी मैं ये आंख हो खुलूंगी जब श्री कृष्ण गोपाल, जब कृष्ण आएंगे, नहीं तो आंख नहीं खुलूंगी। ब्रज की गोपियां तो उद्धव क्यारी में भैसे भैसे पड़ी हुई है, घर में वापस नहीं गए हैं, और राधा रानी को तो ब्रज गोपियां सुंदर, उन्होंने कमल फूल की सज्जा लगा करके राधा रानी को उसमें लेटा देते हैं, शरीर में कर्पूर अगूर चंदन की उन्होंने लेपन करते हैं। लेकिन राधा जी के शरीर में इतने कृष्ण विरह की इतने ज्वाला, एक मिनट में वो कर्पूर अगूर चंदन एकदम चूर चूर हो जाता है। ऐसे ब्रजवासियों का स्थिति तेरे विरह में, इसलिए कन्हैया तेरे को पता, तेरे को ब्रजवासी कितने प्रेम कर, चलो एक बार जा करके हम ब्रजवासियों को साथ में मिल करके, सखाओं को साथ में मिल करके, गोपियों को पिता माता से मिल करके आते हैं। कृष्णा कहते ठीक है चलेंगे, लेकिन जब बलदेव प्रभु जब जब बोलते ना, हाँ तो करते हैं, लेकिन जब जाने को बोलते चुप हो जाते, वो चलते नहीं, कृष्ण जाते ही नहीं। एक दिन बलदेव प्रभु ने कहा कन्हैया मैं जा रहा हूँ, भले ही तुम मत जाया करो, मैं जाता हूँ ब्रज में। इसलिए श्री बलदेव प्रभु उन्होंने वृंदावन में, श्री ब्रज श्री बलदेव प्रभु वृंदावन में आए। सचमुच से जब वृंदावन में उन्होंने आए, उन्होंने ब्रजवासियों का विरह को उन्होंने दर्शन किया। ब्रजवासी कृष्ण विरह में कितने दुखी है, हैं? कितने दुखी है। इसलिए बलदेव प्रभु ने अपना जितने सखा लोग थे उनको साथ में उन्होंने खेले कूदे, जैसे ब्रज में रहते हुए जैसे लीला कर रहे थे, सखाओं को साथ में भी ऐसे खेल कूद किया जैसे गैया चराते थे, सखाओं को थोड़ी सी संतुष्ट कर दिया। फिर नंद बाबा, मैया जसोदा, मैया नंद बाबा तो एकदम, नंद बाबा तो कोशिश करते हैं अपना मन को समझाने के लिए, लेकिन किसी तरह से वो चाहते हैं ये मन को हम समझाए। कहाँ पर होगा, थोड़ा यमुना किनारा में जाए, हो सकता है यमुना किनारे में जाने पर मन थोड़ा शांत हो जाएगा, लेकिन जब यमुना किनारे में जाते हैं ना, फिर उनको याद आता है। क्या याद आता है? मैं कैसे महाराज की, इसलिए कैसे यमुना किनारे में जाते हैं, ऐसे कोई लीला स्थली नहीं, ऐसे कोई स्थान नहीं, कृष्ण जहां पर सखाओं को साथ में, गोपियों को साथ में, जहां पर लीला नहीं की, जहां जहां जाए ना, वहीं पर उनका विरह और बढ़ जाता है, क्योंकि कृष्ण के सारे स्मरण, कृष्ण की सारे उद्दीपना प्रकट होता है। इसलिए मन को सांत्वना नहीं कर पाते हैं नंद बाबा, हैं? क्योंकि कृष्ण यहाँ कुंज कुंज में, कंदरा 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 में कृष्ण लीला उन्होंने किया है। बोले मैया जसोदा तो बेहोश होकर पड़ी हुई, बेहोश होकर मैया जसोदा पड़ी हुई, बोले मैं आंख नहीं खुलेंगी जब तक कृष्ण नहीं आ जाएंगे, हैं? अब ब्रज गोपियों का अवस्था तो अत्यंत अत्यंत विरह में व्याकुल है। इसलिए कृष्ण ने मैया जसोदा की और नंद बाबा की गोद में बैठी करके उनको जो विरह था, उनको विरह को थोड़ी बहुत सांत्वना की। इतने में बलदेव प्रभु अभी गोपियों को कैसे सांत्वना किए करे, इसलिए बलदेव प्रभु यहीं पर ही उन्होंने ब्रज गोपियों को साथ में, बलदेव प्रभु यहीं पर उन्होंने रास किया था। आप बोलोगे भैया रास तो केवल कृष्ण ही किया है, किसने रास किया है? सब जानते ना कृष्ण ही रास किया है, लेकिन कहते नहीं बलदेव प्रभु ही रास किया है, क्योंकि जो बलदेव प्रभु है ना, ये और कोई नहीं कृष्ण ही,
जब उन्होंने अपना लीला को विस्तार करना चाहते थे, कृष्ण ही अभिन्न रूप में श्री बलदेव रूप में प्रकट हुए। इसलिए कहते दुई भाई एक तनु समान प्रकाश, दोनों भाई में कोई भेद नहीं, कृष्ण देखने में काले और बलदेव प्रभु देखने में गोरे। इसलिए वृंदावन में एक स्थान है गोरा दाव जी, कहते ना गोरा दाव जी, बलदेव प्रभु गोरे हैं। इसलिए हमारे श्री वृंदावन दास ठाकुर जब उन्होंने ये चैतन्य भागवत को वर्णना करते हैं, तो उसको पहले एक उन्होंने मंगलाचरण श्लोक में वहां पर कहते हैं, देखो उनका जो गुरुदेव कौन है, बोले श्री बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु, बलदेव प्रभु उनका गुरु। और उन्होंने जब उन्होंने मंगलाचरण करते हैं, वो एक श्लोक को द्वारा उन्होंने एक साथ में श्री नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु, महाप्रभु कौन है बोलो, महाप्रभु कौन है? यहाँ पर लगता है बहुत सारे नए नए भक्त लोग हैं। ये महाप्रभु और कोई नहीं, ये कृष्ण ही कलियुग में राधा रानी की प्रेम को, राधा रानी कृष्ण को कैसे प्यार करती थी और उनको प्रेम करने से उनको क्या आनंद होता था। कृष्ण सोचते हैं मुझे जितने आनंद होता है राधा रानी को, उससे करोड़ों गुण ज्यादा आनंद होता है। इसलिए उसको राधा जी की भाव अंगकांति लेकर कृष्ण स्वयं कलियुग में श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में आए। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की। इसलिए उन्होंने एक श्लोक के द्वारा उन्होंने महाप्रभु और नित्यानंद, महाप्रभु तो हो गए कृष्ण, नित्यानंद प्रभु कौन है? ये बलदेव, ये श्री बलदेव प्रभु है, ये बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु रूप में आए और कृष्ण स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में आए। तो उन्होंने एक श्लोक को द्वारा दोनों को युगपद एक साथ में कैसे अभिन्नता ही प्रकाश करते हैं, कहते आजा नुलंबित भुजौ कनका बदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजभरौ युगधर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करौ करुणा अवतारो। कहते कहते अजानुलंबित भुजो, यहाँ पर कहते जैसे कृष्ण जैसे बलदेव प्रभु ठीक वैसे ही है, महाप्रभु जैसे श्री नित्यानंद प्रभु उनका जो भुज है हाथ है, कहते जो महापुरुष होते हैं उनके अंदर में 24 लक्षण होता है, 24 लक्षण। इसलिए महाप्रभु देखने में जैसे गौरवर्ण, नित्यानंद प्रभु भी गौरवर्ण, उनको जैसे हाथ जानू तक उनकी लंबा है जो महापुरुष है, कहते नित्यानंद प्रभु जैसे महाप्रभु भी वैसे अजानु लंबित भुजौ कनका बदातो, बोले संकीर्तनय कपितरौ, कहते महाप्रभु जैसे जगत में आ करके बोले कलियुग धर्म है नाम संकीर्तन एतद अर्थ अवतीर्ण श्री सचिनंदन। कलियुग का युग धर्म क्या है, ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे घर घर में जा करके अपना झोली को पसार करके हैं क्या करते थे, सबको भिक्षा मांगते थे, बोले क्या भिक्षा, बोलो चावल नहीं पैसा नहीं, क्या भिक्षा मांगते थे, बोलो कृष्णा भज कृष्णा कर कृष्ण शिक्षा, सबके सब हरि नाम करो, सबके सब कृष्णा भक्ति करो सबके सब। इसलिए महाप्रभु भी ये नित्यानंद और हरिदास ठाकुर जी को भी उन्होंने दरवाजा दरवाजा पर भेजे, बोले जाओ जाओ दरवाजा दरवाजा पर, बोले क्या, बोले सबके सब भिक्षा मांग करके लाओ, बोले किस चीज की भिक्षा, दाल चावल पैसा भिक्षा नहीं, कृष्ण नाम की भिक्षा हरिनाम की भिक्षा। और जो ये हरिनाम को ग्रहण करेगा, जो हरिनाम को ग्रहण करेगा उसको तो प्रेम देना, और महाप्रभु कहते जो ये हरिनाम ग्रहण नहीं करेगा ना मैं चक्र लेकर सबके सब खत्म कर दूंगा, जो हरिनाम को ग्रहण नहीं करेगा सबके सब हम चक्र लेकर के हैं उनको संसार रूपी चक्र में वो भटकते हुए रहेंगे, और जो हरिनाम करेगा वो क्या होगा संसार समुद्र से पार हो जाएंगे। इसलिए कहते संकीर्तनय को पितर हो और कमलायताक्ष हो, बोले इनकी आंखें कैसे हैं, बोले कमल जैसे है, कमल की पंखुड़ी जैसे ना, दोनों का आंख भी वैसे। इसलिए कमलायताक्ष हो विश्वंभर मतलब जगत को जो भरण पोषण करने वाले, बोले क्या दे करके, खाना पीना तो देते हैं लेकिन जो असली जो आहार है हरिनाम है,
असली जो आहार किया है भक्ति दे करके हरि नाम को दे करके उन्हें जगत को उन्होंने उधार किया। इसलिए नित्यानंद प्रभु जब हरि नाम करते करते जगाई माधाई दो पियकड़ थे हैं, दो पियकड़ थे, तीन भर शराब पीकर मस्त रहते थे और जब किसी रास्ता में बैठ जाए ना वो रास्ता बंद हो जाता था, लेकिन इतने भयानक जिनके नाम सुनने पर सब काम उठते थे। नित्यानंद प्रभु इतने दयालु, बोले भैया महाप्रभु का आदेश क्या है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखो उसको ही कृष्ण की उपदेश दिया करो। क्या करो, क्या करना है, ये भगवान का निर्देश है। कल सुन रहे थे ना प्रभु जी बोल रहे थे, भगवान कहते हैं सबसे मेरे प्यारा कौन है, बोले जगत में सबसे प्यारा वही है जो हरिनाम जगत में प्रचार करते हैं, हरिनाम जगत में प्रचार करते हैं। इसलिए आप भी खुद करो जो आए और दूसरों को भी हरिनाम में लगाओ। इसलिए महाप्रभु बोल, नित्यानंद प्रभु सोच रहे हैं, महाप्रभु का निर्देश जिसको दे सो उसको प्रेम दो, भैया ये दोनों को तो भी तो देनी चाहिए। उन्होंने गए नित्यानंद प्रभु, बोले बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन वो तो पियकड़ शराब पीकर मस्त थे, बोले क्या हरे कृष्णा, इनको मारने के लिए दौड़े हम मारने। पहला दिन से किसी तरह से बच करके चले गए, लेकिन दूसरे दिन जब उनको फिर हरिनाम देने के लिए आए ना, उन्होंने उठाया मटकी जिसमें शराब पी रहे थे और उन्होंने मारे, नित्यानंद प्रभु का सर फोड़ दिए। जब महाप्रभु को पता चला ना, इतने में महाप्रभु आकर के सुदर्शन चक्र को उन्होंने बुलाया, चक्र चक्र देखा सचमुच से सुदर्शन चक्र आ गया। इतने में नित्यानंद प्रभु बड़े दयालु, बड़े कृपालु बड़े देव प्रभु, इतने में उन्होंने श्री महाप्रभु के चरण में गिर पड़े। बोले प्रभु आप ये कलयुग में अपने प्रतिज्ञा किया, क्या प्रतिज्ञा किया, बोले एबे अस्त्र ना धरिब, जैसे रामावतार में धनुष उठाया पूरा लंका को खत्म, कृष्णावतार में जितने राक्षसों को मार दिए, लेकिन महाप्रभु का रूप में जब कृष्ण आए उनने किसको जान से किसको नहीं मारे, लेकिन क्या किया उनके हृदय में जो काम क्रोध लोभ ये जो बड़े बड़े जो शत्रु बैठे हुए थे उनको उन्होंने खत्म किया है। इसलिए इस युग में नित्यानंद प्रभु इनके चरण में गिरी पड़े, बोले प्रभु आपने प्रतिज्ञा की है कलयुग में अस्त्र धारण नहीं करोगे, पर सुदर्शन चक्र क्यों बुला रहे हो, मैं आपका चरण में गिर करके प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप मत मारो, इनको उद्धार कर दो, इनको उद्धार करो। इतने में जिसने मटकी मार करके फोड़ दिया था उन्होंने उनके महान नित्यानंद प्रभु के चरण में गिर पड़े, बोले प्रभु मेरे अपराध हो गया माफ कर दो। फिर माधाई जगाई, जगाई बोले प्रभु हम दोनों ही एक साथ में पाप कर्म किया, जब उसको उद्धार किया मेरे को भी उद्धार करो। इसलिए महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु उनको कृष्ण भक्ति प्रदान किया, प्रेम प्रदान किया। इसलिए हमारे हमारे जो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं दयाल नीताई चैतन्य भोले नाचे रे अमर मन, दयाल नीताई चैतन्य भोले। इसलिए कहते हैं मेरा जो मन है ना ये जो बलदेव प्रभु यही नित्यानंद प्रभु है, बोले इनका नाम को लेकर के नाच उठे, बोले क्यों, बोले ऐसे दयालु देखे जो मार खा करके भी प्रेम दिया, ये नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु इतने दयालु। इसलिए यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं ये जो दोनों है ये युग धर्म जो हरिनाम को दोनों प्रचार करने वाले, युग धर्म पालो संकीर्तन कपितरो कमलायताक्षो विश्वम भरो दिज भरो, युग धर्म पालो बंदे जगत प्रिय करो करुणा बतारो, जिसने ये युग धर्म हरिनाम प्रचार किया। इसलिए यहाँ पर जो नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु वो अभिन्न है कृष्ण से अभिन्न होने का नाते, इसलिए रास तो केवल रास रचया केवल कन्हैया आए, लेकिन इसलिए बलदेव प्रभु भी यहीं पर क्यों कृष्ण के अभिन्न होने का नाते इन्होंने यहीं पर ब्रज गोपियों के साथ में उन्होंने यहीं पर उन्होंने रास रचाया। जब उन्होंने प्रभु रास कर रहे थे इतने में गोपियों को प्यास लगी, तब उन्होंने बलदेव प्रभु को बोले, बोले प्रभु हमें प्यास लग रही है पानी पिलाओ। देखो यमुना ना वो यमुना जा रही, गए थे यमुना सबके सब, हाँ ये पास में यमुना वो यमुना देखो बह रही यमुना, हाँ ये यमुना यहीं पर बह रही थी। इतने में बलदेव प्रभु ने यमुना से बोले देखो मेरे गोपियों को सखियों को प्यास लग रही है थोड़ा पानी पिला दो, लेकिन ये यमुना उनकी बात नहीं सुन रही थी, वो यमुना तो बहती हुई जा रही।
बहते हुए जा रहे हैं। इतने में बलदेव प्रभु को क्रोध आया, बोले मैं स्वयं बलदेव, कौन है बलदेव? मतलब क्या? समस्त बल का जो अधिष्ठात्री देवता, कल सुन रहे थे ना, शंकर सन कारणोदय साई गर्भोदय साई चपयधि साई। इसलिए जितने ये शंकर सन कारणोदय साई गर्भोदय साई खिराबधि साई शेष, जिसकी अंश के अंश ये संधिनी शक्ति रूप में ये विश्व ब्रह्मांड को जिसने धारण करके रखे, इसके अधिष्ठात्री देवता ये विश्व ब्रह्मांड के सर के ऊपर में एक सरिस जैसे धारण करके रखे श्री बलदेव प्रभु है, ये दुनिया के मालिक बलदेव प्रभु। लेकिन वो यमुना से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन यमुना आई नहीं, वो टेढ़ी होकर जा रही है। इतने में बलदेव प्रभु अब दिखाता मजा दिखाता, उन्होंने उठाया हाल को और हाल को उन्होंने इसे मारे, मार कर उन्होंने खेचा। इसलिए यहाँ पर एक है, इनका नाम है खेचा एंचा दाऊ जी, मतलब है जिन्होंने उन्होंने क्या किया, उन्होंने यमुना नदी को खेचा था। खेचा तो देखो, देखो ये यमुना बह रही है, देखो ये यमुना है ना, यमुना उधर से, लेकिन बलदेव प्रभु उन्होंने ऐसे उन्होंने खेचा। इसलिए क्या हुआ, जो यमुना उधर जा रही थी, फिर उन्होंने ऐसे होकर के फिर खेच कर, मतलब उल्टा होकर के जाती है। इसलिए यहाँ पर भी एक स्थान का नाम उजान, क्या नाम है? उजान। उजान दो कारण से नाम पड़ा है। कृष्ण जब बंसी ध्वनि की, बंसी ध्वनि सुन करके कहते तेज और बारी मृदा जथा विनिमय हो जत्र त्रिसर्ग मृषा। कृष्ण जब बंसी ध्वनि करते थे, सबके सब गिरिराज गोवर्धन द्रवीभूत होकर पानी बन जाती थी, और स्वयं यमुना नदी वो क्या होती थी, उल्टा बहने लग जाती। उजान मतलब होता है उल्टा बहने लग जाती थी। चंद्रमा जहाँ के तहाँ, चंद्रमा एक स्थान पर खड़ी हो जाती थी। इसलिए जब उन्होंने यमुना को खेचे, यहाँ पर खेच कर लाए, फिर उन्होंने उन्होंने सब गोपियों को उन्होंने यहीं पर उन्होंने पानी पिलाया था। इसलिए जो स्थान बलदेव प्रभु का रास स्थली। लेकिन कुछ कुछ यहाँ पर प्रश्न होता है, बोले ये यमुना कौन है? ये विशाखा है। कौन है? कालिंदी कौन? वो भी कृष्ण की पटरानी, लेकिन ये छोटे भाई की स्त्री है, छोटे भाई की ये शक्ति। लेकिन बलदेव प्रभु कौन? जेठ। बलदेव प्रभु जेठ। आपको पता होगा जेठ को सामने क्या करती है, छोटी भाई की जो बहू है क्या करती है? पर्दा करती है। जब अगर पर्दा करती है, यहाँ पर प्रश्न होता है श्री बलदेव प्रभु ये तो बड़े जेठ हो गए, फिर छोटे भाई की पत्नी को उन्होंने खींचे कैसे? अब प्रश्न है ना, उन्हें छोटे भाई की पत्नी को उन्होंने कैसे उन्होंने खींचे, खींच कर लाए कैसे? हाँ, तब यहाँ पर कहते नहीं, ये जो यमुना की तीन स्वरूप है, एक तो यमुना जो विशाखा स्वरूप है, हाँ ये विशाखा रूप में, ये अनुराधा रूप में, ये एक स्वरूप। दूसरे है जब यही द्वारका मथुरा में जाती है, ये कृष्ण की पटरानी कालिंदी है। लेकिन यहाँ पर और एक यमुना, ये कौन है? बोले ये समुद्र गामी, समुद्र की पत्नी। देखना जितने नदियां जाकर के लास्ट में कहाँ मिलती है? समुद्र में सारी। इसलिए कि समुद्र गामी एक यमुना है, वो श्री समुद्र की पत्नी समुद्र गामी, इसलिए उन्होंने उनको खेचा। लेकिन जो कालिंदी जो विशाखा को उन्होंने खेचा नहीं, क्योंकि ये छोटी भाई की ये कौन है, शक्ति है, इसलिए मर्यादा उल्लंघन होगा, इसलिए उनको नहीं उन्होंने खेचा है। इसलिए ये जो स्थान है श्री बलदेव प्रभु का, ये रास है। लेकिन यहाँ पर और कोई कोई कुछ प्रश्न आता है, बोले क्या है? बोले कृष्ण जो रास किया है, किसको किसको लेकर रास किया है, किसको किसको लेकर? कहीं कहीं आता है बलदेव प्रभु का भी अलग ग्रुप गोपियां है, और कृष्ण का भी अलग ग्रुप गोपियां है। इसलिए उन्होंने कहीं कहीं आता है श्री बलदेव प्रभु अपना जो ग्रुप थी, अपना जो गोपियां थी, उनको लेकर के उन्होंने रास किया। लेकिन ये कहीं कहीं आता है उन्होंने कृष्ण की जो गोपियां थी ना, उनको भी साथ में रास की। आप लोग बोले भैया ये भी छोटे भाई की जो शक्ति, उनको साथ में रास कैसे किया? देखिए ये चीज को समझो, कहते जो रास है, हम लोग जैसे आकाश का रंग एक है, देखना आप जिस रंग का चश्मा पहन लो ना, आप देखना जो आकाश है आपको उसी रंग में दिखने लग जाएगा। लेकिन क्या वास्तव रूप में वो रंग है? नीला लगाओगे तो नीला लगेगा, पीला लगाओगे तो पीला लगेगा, क्या आकाश का रंग बदल जाती है? नहीं। इसलिए जो रास शब्द है, ये रास मतलब होता है रसानाम समूह इति रास। रास मतलब होता है जहाँ रस है, जहाँ पर भक्त भगवान की मिलन, जहाँ पर संपूर्ण रूप में कृष्ण सेवा करे, ये रास कोई गंदी चीज नहीं। नहीं तो बताओ शंकर जी ये गोपी बनकर क्यों आए? आप बताओ, शंकर जी गोपीश्वर महादेव है ना, शंकर जी फिर गोपी बनकर क्यों आए? ब्रह्मा जी वो क्यों गोपी बनना चाहते हैं? ये नारद जी क्यों गोपी बनना, हम भी गोपी बनना चाहते हैं। हम जो भजन कर रहे हैं ना,
ये गोपियों ने जैसे भजन की हम भी ऐसे भजन करना चाहते हैं। इसलिए कहते अप्राकृत जगत में गोलोक वृंदावन में तत्व वहां पर कोई गंदी चीज नहीं। स्वर्ग में है, आप लोग सब सुने होंगे, स्वर्ग में भी वहां पर जैसे उसकी पत्नी उसको साथ में मिल रहा है, उसका पति उसको साथ में, वहां पर भी स्वर्ग में देखने को मिलता है। कहते वहां पर जैसे रंभा उर्वशी मेनका जो स्त्री आए ना वो सबको साथ में मिलते हैं, लेकिन वहां पर ऐसे कोई विचार गंदी विचार वहां पर है नहीं। और कहा दिव्य भगवान की धाम गोलोक वृंदावन, जहाँ कृष्ण की एक एक भाव ही एक एक गोपी रूप में प्रकट होंगे होए, इसलिए वहां पर ऐसे कोई गंदी चीज नहीं। लेकिन हम हमारी हृदय गंदा है, इसलिए प्रभु की लीलाओं को सुन करके हमारे हृदय में जैसे एक लड़का जैसे एक लड़की की साथ में मिलती है, लेकिन हम भी सोचते हैं कृष्ण साथ दूसरी लड़की को साथ में ऐसे मिलते थे, ऐसे वहां पर कोई गंदी चीज नहीं। इसलिए हम जहाँ पर आए ये बलदेव प्रभु का ये रास स्थली है। ये बलदेव प्रभु कौन है? ये आदि गुरु श्री बलदेव प्रभु। इसलिए कहते नित्याई करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। ये बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु का कृपा होना तभी हम जीवन में राधा कृष्ण को पा सकते हैं। बोले हे न नित्याई बिने भाई राधा कृष्ण पाईते नाही। जब तक श्री बलदेव प्रभु का कृपा नहीं होगा तब तक हमें कृष्ण मिलने वाले नहीं। इसलिए इनका नाम बलदेव। किस चीज की बल है? भक्ति की बल, प्रेम की बल को देने वाले कौन है? श्री बलदेव प्रभु। इसलिए हम सबके सब श्री बलदेव प्रभु का चरण में आए, श्री बलदेव प्रभु से प्रार्थना करो आप हम सबको ऊपर में कृपा करे, भक्ति कर दे और भक्ति की बल हमें प्रदान करे, जैसे हम भगवान की भजन करके ये जीवन को हम सार्थक बना सके। ठीक है, बोले वंशाकल भूतर्भ्यश्च कृपा सिंधु भैवच।